उम्र का पुल खोल देता, यातायात के लिए खुला हो जाता, लेकिन मुख्यमंत्री थाना के है, उनका सम्मान होना चाहिए, रखना चाहिए, उनके हाथ से ही होना चाहिए, ये मेरी मानसिकता है। लेकिन कितना देर रोक उठे, लोगों को मालूम है ये मंजूर किसने किया, कौन इसका काम कर रहा था, कौन इसके पीछे लगा था, लोगों को सब मालूम है। बात यह भी है कि पुल हुआ है, लेकिन पुल के बाजू में जो रस्ते है, जो एमएमआरडीए की जिम्मेदारी है, एमएमआरडीए ने नहीं निभाई है, आज भी खड्डे वैसे ही है। एमएमआरडीए भी उसके ऊपर ध्यान दे, कलवा हो या मुमरा हो, लोगों को जो तकलीफ होती है वो बिना वजह तकलीफ हो रही है। मैं नहीं है, मैं अगर मुख्यमंत्री चाहते तो ठीक है, बड़ा प्रोग्राम ले, पर मुख्यमंत्री गाड़ी लेके चले गए तो मुख्यमंत्री के हाथ से उद्घाटन हो गया, ऐसे आप लोग ही टीवी पे बताएं, मुख्यमंत्री हाथ दिखा देंगे, बहुत हो गया। लेकिन लोगों की तकलीफ कम करने के लिए मदद होगी, ये मैं बार बार कह रहा हूं। कि मैं किसी को टीम वगैरह नहीं बोलूंगा, अपने अपने ख्यालात रहते हैं। लोगों को यह पहचानना होगा कि इस देश में चालू क्या है, ये जनता है, ये जनता, वो जनता है जो सर पे उठाती है और पटक भी देती है। इंदिरा गांधी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, इंदिरा गांधी को सर पे उठाया, पटक भी दिया और फिर से सर पे उठाया। जनता है, जनता है, ये सब जानती है, जिस हालात से ये देश गुजर रहा है, कोई हालात अच्छे नहीं। यहाँ का एक बड़ा तबका भूखे पेट सो रहा है, ये देश के लिए कोई गर्व की बात नहीं। जनता है, इस पे सभी चीजों पे सभी चर्चा बाजू में है, विचार मंथन होना चाहिए। मैं सामना पढ़ा रही हूँ आज, तो मुझसे मालूम क्या लिखा है, क्या लिखा है, जो मैं पढ़ा नहीं हूँ उसके ऊपर बात करना बराबर नहीं समझता। मेरे को किसके पास क्या जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। मेरे घर से निकल के लेके जा रहे हैं, मैं घर पे घर के दरवाजे पे खड़ा हूं। अगर मेरे घर पे मेरा प्यार है तो मैं भिड़ जाऊंगा, लड़ जाऊंगा, लेकिन घर के बाहर नहीं जाने दूंगा। मेरे घर से जा रहा है ना, वो दूसरे के घर में जाके उसका क्या होने वाला है उससे मुझे कोई लेना देना। और मेरे घर से जाता है तो मुझे दुख, मुझे यातना भी तो चाहिए। ऐसा है कि अब ये इल्जाम के जो प्रयोग है वो चालू रहेंगे। आपको सत्ता में आके 4 महीने के करीब हो गया है, अगर ये किया था तो 4 महीनों में आपने दिखा देना चाहिए था और रिपेयर कर लेना चाहिए था। अब जाने के बाद नहीं नहीं उन्होंने किया था, नहीं नहीं उन्होंने किया था, नहीं नहीं उन्होंने किया था, ये बातें बंद करो। महाराष्ट्र की जनता इतनी पागल नहीं है जो ये नहीं समझती किसके हाथ से क्या हुआ है। एयरबेस महाराष्ट्र में लैंड होना होने वाला था, ऐसा हम बहुत सालों से सुनते आ रहे। लगता है महाराष्ट्र का माहौल ठीक नहीं है, ऐसे पायलट को लगा होगा, पायलट ने लैंडिंग से पहले ही उड़ा करके वो गुजरात में लैंड करवा दी। महाराष्ट्र का बड़ा नुकसान है, बेरोजगारी से महाराष्ट्र जूझ रहा है, इधर पड़ती हुई महंगाई से पगला गया है महाराष्ट्र। ऐसे ये धक्का बहुत बड़ा धक्का है। एक जमाना था कि महाराष्ट्र की वो मिट्टी थी जिस मिट्टी पे इस भारत का कोई भी सुपुत्र आता था तो 48 घंटे में उसको पेट के लिए पैसा कमाने का रास्ता मिल जाता।
अब शायद ये सब रास्ते बंद होंगे, और ऐसा ना हो कि हमारे महाराष्ट्र के सुपुत्र, हमारे महाराष्ट्र के इस मिट्टी में जन्म हुए लिए हमारे बच्चे को बाहर राज्यों में जाके लाइन लगा के नौकरी दी। जो तो महाराष्ट्र एक जमाने में नौकरियां देता था, लोगों को खिलाता था, लोगों का पेट भरता था, उस महाराष्ट्र को इस स्थिति में लाना बहुत ही गंभीर और दुखदायक है। 2 दिन का राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ शिविर में शिविर लिया जा रहा है। शिविर में सभी विषयों के ऊपर चर्चा होगी, बड़ी गंभीरता से चर्चा होगी। भारत की आज की सामाजिक स्थिति, भारत की आज की आर्थिक स्थिति, धर्म को लेके देश में बंटवारा जो किया जा रहा है उसके ऊपर, विद्वेष की राजनीति के ऊपर, भारत में भारत का रुपया जिस तरीके से गिर रहा है उससे भारत की इज्जत और इज्जत गिर रही है, उसके ऊपर चर्चा होगी। सभी देश को चौंकाने वाले जो सवाल है, हैरान करने वाले जो सवाल है, महंगाई है, बेरोजगारी है, सभी मुद्दों पे चर्चा होगी। अनेक मान्यवर, इस विषय के मान्यवर शिविर में लोगों के सामने बात करेंगे। मुख्य शिविर होगा, उसमें स्वयं शरद पवार साहब इस शिविर को मार्गदर्शन करेंगे। जयंत पाटिल जी, अजीत पवार जी, सुप्रिया सुले जी, सभी बड़े वरिष्ठ नेता, अखिल पटेल जी इस शिविर में शामिल होंगे, मार्गदर्शन करेंगे। और इससे अलावा कई वरिष्ठ पत्रकार, कई वरिष्ठ वैज्ञानिक, कई वरिष्ठ खेती में काम करने वाले खेती तज्ञ, इन सभी को, सभी का मार्गदर्शन राष्ट्रवादी के उस शिविर में होगा। मुझे लगता है कि आपके वरिष्ठ नेता, आपके नेता केजरीवाल जी का चेहरा सामने खुल के आया, खुल के सामने आया। जो विषय विषय बन ही नहीं सकता, उस विषय को उन्होंने सभी विषयों के आगे आगे लेके आया। मुझे लगता है तस्वीर किसकी होनी चाहिए, इससे ज्यादा चर्चा ये होनी चाहिए कि रुपया का स्तर कैसा गिरा है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भारत की इज्जत और इब्रत रुपये के वजह से गिर रही है, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और जो विषय चर्चे के लायक ही नहीं, उस पर चर्चा करना ही मुनासिब नहीं समझता हूं, उसके ऊपर चर्चा क्यों केजरीवाल जी ने छिड़ी मुझे पता नहीं है। लेकिन उनको अचानक देवी देवताओं का की याद क्यों आई, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। चलो, उनकी भी राजनीति कुछ रहेगी, उसके पीछे भी होशियार आदमी है। पर मेरे मेरी मानो तो चर्चा के रुपया का इस्तेमाल गरीब आदमी कैसा कर रहा है, एक गरीब आदमी कितना रुपया कमाता है दिन में, आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रुपये की इज्जत क्या है, चर्चा उस पर होनी चाहिए थी। जो इश्यू ही नहीं है, जो नॉन इश्यू है, उसको इश्यू क्यों बनाया जा रहा है।